हमारी पावर मूत्र वापस पीना शुरू कर दो तो करना करो फिर मशीन लगाओ हमारे प्रधानमंत्री जी को गुस्सा आनंद लीजिए टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का। वाह बादशाह वाह, देश के दो तीन लोगों से देश लुटवा दिया तुमने, मासूमों के मुंह से रोटी का निवाला छीन लिया तुमने, करोड़ों नौजवानों को नौकरियों का दिलासा देकर उनसे नौकरियों की आस छीन ली, और जब देश में कोई सवाल उठा मुसलमानों का नाम ले दिया तुमने। हिंदुओं और मुसलमानों आओ एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। हेलो गाइस, तो मैंने देखा कि काफी सारे लोग गवर्नमेंट के नाम पर पैसा कमा ही रहे हैं, तो फिर इसमें गलत क्या है? वैसे भी 15 लाख अब नहीं आने वाले। ना फिकर, ना शरम, ना लिहाज, एक बार आया। हाउ डायवर्टेड, मुझे मारा गया, मुझ पुलिस ने मुझे मारा। एनडीटीवी के प्रतिष्ठित जर्नलिस्ट कमाल खान अब हमारे बीच नहीं रहे, उनको हमारी ओर से भावभरी श्रद्धांजलि। वो कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसका दूसरा पहलू कुछ ऐसा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी को मशरूम काफी पसंद है। सुपरमैन एक काल्पनिक चरित्र है, ऐसा इंसान जो पलक झपकते यहाँ से वहाँ चला जाए। कुछ पहले भी आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ और आपको ये बता चुका हूँ कि आखिर मैं इन कपड़ों में क्या। टीम पर मोदी को घेरा, अपनों ने मुंह फेरा। सवाल आज पूछता है भारत, क्या दीपिका आगे वाली ब्लैक वाली गाड़ी, ब्लैक वाली गाड़ी, ब्लैक वाली गाड़ी, उसी के बिल्कुल बगल में वो गाड़ी लगाएंगे। और ये देखिए रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक भारत इस वक्त दीपिका की गाड़ी के बगल में खड़ी है। क्या दीपिका ब्लैक ले दिया? दीपिका पादुकोण बताइए, दीपिका पादुकोण बताइए, क्या ब्लैक ले दिया फिलहाल ये मसरी गाड़ी? दीपिका पादुकोण दीपिका पादुकोण जो इस गाड़ी से इस वक्त आप जरा नीचे बैठिए। ये कहां से आई है, कहां की है आपने जर्नलिज्म? आप समझते नहीं बात को? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के बजाओ। अलवर में मैं फिर से बोल रहा हूँ, 15 साल की नाबालिग बच्ची, दिव्यांग बच्ची, मूक बधिर बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ। बच्ची के साथ दिल्ली की निर्भया जैसी दरिंदगी हुई। बलात्कार के बाद नुकीली चीज से उस बच्ची के अंग फाड़ दिए गए। आज जिस बेशर्मी से अलवर की बच्ची के बारे में झूठ फैलाया है, अगर उतनी ही सच्चाई से हाथरस की बेटी के बारे में सच दिखाया होता तो तब उसे इंसाफ मिल चुका होता। अलवर रेप मामले में डॉक्टर ने कहा, पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में नहीं आई चोट। जयपुर के जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरविंद ने कहा कि रेप पीड़िता के निजी अंगों में कोई चोट नहीं आई है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। तो योगी तो कुछ उखाड़ पाए नहीं अभी तक, और वो आगे भी नहीं उखाड़ पाएंगे। वो अपना टकला लेके इधर उधर बजाएंगे बस। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको। जानकारी नहीं होती तो व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है। सच्चाई क्या थी? कोविड प्रबंधन किसका अच्छा था जी? यह देश और दुनिया ने फाइजर की वैक्सीन बनाने वाला, कोविड वैक्सीन बनाने वाला जी, फाइजर वैक्सीन का जो निर्माता है जी, वो इस बात को अमेरिका के लिए कहता है कि आपको कोविड प्रबंधन देखना, तो यूपी के अंदर देखो यूपी ने कैसे नियंत्रित किया जी। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। आप उत्तर प्रदेश में आए, स्वागत होगा आप सबका। कौन सुरक्षा देगा? अरे हमने कहा ये हमारी जिम्मेदारी है सुरक्षा देना। अमेरिका के लिए कहता है कि आपको कोविड प्रबंधन देखना, तो यूपी के अंदर देखो यूपी ने कैसे नियंत्रित किया। बोले बोले, डोंट बी। जनता पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। नॉट ए श्रेड ऑफ एविडेंस हैज कम। मोदी जी, राहुल गांधी जी के फोन की जासूसी करवा के आप कौन सा क्राइम और टेरर से लड़ाई लड़ रहे थे? साला हमारा फोन हो या फिर बाथरूम, बीजेपी हर जगह घुसने की कोशिश कर रहा है। नहीं, ये कानूनी तो हो गई ना? हाँ, हाँ, नहीं, तो उसे ठीक हो गया? हाँ, बढ़िया। नहीं, राशन कार्ड वगैरह? हाँ, नहीं, चलो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है दीदी? रोशनी चांद से होता है, सितारों से नहीं। मोहब्बत काम से होता है मोदी जी, मन का बात कहने से नहीं। दीदी को क्या हो गया है? आजा संडास दिखाता हूँ। बीबीसी से बात करने के लिए आपको बहुत शुक्रिया। यति जी, आप जिस प्रदेश में रहते हैं वहाँ पर आरोप है कि पुलिस चाहे एक ट्वीट पर भी, तो ये पुलिस से पूछो ना, ये आपके थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो या बिल्कुल जाहिल हो? पढ़ाई लिखाई की बात भी कौन कर रहा है सर? अगर आप पढ़े लिखे होते तो आपको यह पता होता कि भारत मेरा देश है और सभी भारतवासी
मेरे भाई बहन। एक मिनट तेरी तुझे यही पिटना जली ना जली ना। देख 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 गुस्से में तेरे खुद का नुकसान हुआ ना। ये मुझे मरवाने का षड्यंत्र है। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। आप मुझे प्रधानमंत्री मत बनाइए। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। हमने माना कि आप बेटी पढ़ाओ बोलने वाले थे, पर आपको नहीं लगता कि असल में कुछ बेटों को पढ़ाने की जरूरत है? नहीं, वो इसलिए बता रहा था कि वैलेंटाइन डे नजदीक आ रहा है। चल 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 चल। ए गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल चप्पल छोड़ गया। हम फर्स्ट। स्टार्ट कर। हम फर्स्ट। गाड़ी चला गाड़ी चला। एक चीज तो सीखनी पड़ेगी हमें मोदी जी से। साला कॉन्फिडेंस कभी नहीं खोना चाहिए हमें किसी भी सिचुएशन। सब सिरिसर ठीक से सुना रहा है? मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। और हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको। यही नहीं, अभी और सुनिए। We hear you very well, and I would suggest that we start the official session now. We will open up, and thousands of people will listen to you, Prime Minister. चलो भाई। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। जब मोदी जी ने आपके गांव में विकास भेजा तो आपने उस विकास का क्या हाल किया? ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। जहां भी मौका मिले भाजपा का विरोध करो। भाइयों बहनों, आप मुझे प्रधानमंत्री मत बनाइए। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी जला डालूंगा अभी। Ready to hear Arna was Swami Sahab. जी मैं, I am ready to hear Swami Sahab. Beaten, मुझे मारा गया, मुझ पुलिस ने मुझे मारा। बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन एक आपने वादा किया, जिस दिन रिजल्ट आएगा इधर या उधर ठीक है, बात करूंगा अर्णब गोस्वामी से, आराम से। ठीक है, वो कहाँ है, जेल में? मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? आज जिस तरीके से दलित वोटों के लिए उनके घर खाने पर जाया जा रहा है, अगर उतना ही भेदभाव लोगों में से उनके लिए मिटाया होता तो आज उन्हें ऐसे खुश करने की जरूरत नहीं पड़ती। उन लोगों से थूक भी चटवाया, वायरल कर दिया। दोबारा ये बाबा जी आ गए तो हम घंटा बजाएंगे मंदिर में, हम भी बैठ के। अरे सबसे बड़ी भूल, हमने बीजेपी को वोट दिया, आगे से नहीं देंगे। उन्होंने बोला था तुम फटे हुए जूते हवाई चप्पल पहनते हो, हवाई जहाज में घूमोगे, 15-15 लाख खाते में आएंगे, स्मार्ट सिटी बन जाएगी, ये नए नए 100 नए शहरों का निर्माण करेंगे। कुछ नहीं, कुछ आया केवल मैं। फिर वही मंदिर में घुस गए थे, दो बच्चे बड़े हो गए, फीस जमा नहीं कर पा रहे, तब अकल ठिकाने आ गई है, अब नहीं देंगे वोट। खाद महंगी, लाइन में लग के खाद मिल रही है, ब्लैक में खाद मिल रही है, बिजली महंगी है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी भूल, बीजेपी को वोट आगे से नहीं लेंगे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।
सुन लीजिए देखिए अच्छी तरह सुनिए भाई और बहनों चौकीदार हो गया काम। ये तो मेरी मां है यार। तो चलिए गाइज आज के लिए तो हो गया हमारी साइड से, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बस जिंदा रहना। Do you get my point? करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो।